जब वो लालू ही अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने के चक्कर उसकी टांग खींच रहा है तो नीतीश क्या करेगा? बीजेपी में क्या खूबी है जो नीतीश कुमार को बार बार पकड़ती है? कोई तो कारण होगा, या तो बीजेपी तेजस्वी से डरता है या नीतीश कुमार। बिहार का राजनीति जो है ना लालू प्रसाद यादव का पेट से शुरू होता है, क्षमता है ना, तो कैसे सीएम का कुर्सी तक ठीक है तो प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे? उनका वो क्षमता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का मिशन पर ही थे, वो पता लगाने गए थे कि लालू प्रसाद यादव जी जो करते हैं परिवारवाद जातिवाद तुष्टिकरण करते हैं वो कैसे समाप्त होगा। वो ऐसे ताना बाना ऐसे बुन रहे थे, बीजेपी वाला उनको मैंने कोस रहे थे, वो नीतीश बाबू इधर कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, मर जाएंगे तो नहीं जाएंगे। एक राजनीतिक स्टंट था, ऐसे अगर नहीं बोलते ना तो लालू प्रसाद यादव जी को यकीन नहीं होता, वो अपना जो है अंदर का बात जो भेद जो है नहीं बताते। लेकिन पलटू चाचा को ला के उन्होंने मटिया लेट कर दिया, खुद ही बर्बाद हो गया। सीबीआई ने कौन सा मुकदमा वापस ले लिया डांट खाने के बाद? पुख्ता सबूत, सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं कनॉट प्लेस में और अभी जो हालात चल रहे देश के वो आप सबसे छिपा हुआ नहीं है। सबसे जरूरी चीज, सबसे अहम मुद्दा जो अभी चल रहा है वो है बिहार की राजनीति का। बिहार की राजनीति की अगर बात करें तो नीतीश कुमार ने उसकी बखिया उधेड़ दी, ऐसा कहना है विपक्ष का। तो हमारे साथ सरदार जी हैं, वो बताएंगे कि आखिर नीतीश कुमार ने ये 9वीं बार जो ज्वाइन किया है और 9 बार इस्तीफा दे दिया है, वैसे देखा जाए तो चुनाव 4 बार ही हुए थे, उस पर इनका क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे बिहार की राजनीति को लेकर? नीतीश कुमार जी कभी भी भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का मिशन पर ही थे। वो पता लगाने गए थे कि लालू प्रसाद यादव जी जो करते हैं परिवारवाद जातिवाद तुष्टिकरण करते हैं वो कैसे समाप्त हो, बिहार कैसे प्रोग्रेस करे, इस पर जो है ना वो पता लगाने गए थे। देखिए बिहार का राजनीति जो है ना लालू प्रसाद यादव का पेट से शुरू होता है और हमेशा जो है ना वही जीत जाते हैं और बहुमत से जीत जाते हैं, तो इसका क्या कारण है? तो किसी का भी पेट में घुसने से ना तभी वो आपको जो है सेक्रेसी बताएगा, अदरवाइज उससे आप दादागिरी कर करके उसका बाप बन करके आप जो है उसका पेट का भेद नहीं ले सकते हैं। इसलिए वो भेद लेने गए थे, भेद लेकर के अपना चले आए, मिशन पर थे नीतीश कुमार जी, वो कभी भी अल्टी पल्टी नहीं हुए हैं, ऐसा बात नहीं है, और वो मिशन पर थे, मिशन फतह कर करके अपना घर वापस आ गए। मतलब वो जो कर रहे हैं वो सही लगता है आपको? ये जो बार बार कभी इस पार्टी में कभी इस पार्टी में कभी इस पार्टी का दल बदलना, अब तो उन्हें पलटू राम भी कहा जा रहा है। देखिए कोई कुछ कहता है, 10 मुंह 10 तरह का आदमी बात कहता है। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते थे कि कुसंगत कुशल नहीं तुलसी मन अफसोस, और महिमा घटी समुद्र की जो रावण बसा पड़ोस। रावण जो समुद्र का पड़ोस में बस गया था ना, तो समुद्र का भी महिमा घट गया था। इस पर तो कोई भी मामूली आदमी, कोई भी आदमी जो पुल बना लेगा इसको लांग देगा, इसको बात बात में खेल खेल में लांग जाएगा, उसका भी महिमा घट गया। वो समुद्र बोल रहा है भाई मैं इतना गहरा हूँ यार, ये बोल रहा है मेरे ऊपर पुल बना देगा, तो महिमा घटा। वैसे ही अभी जो है ना आक्रोशित है लोग इन पर, ये नीतीश कुमार जी पर, जो लोगों को मालूम नहीं है ना कि वो किस मिशन पर थे। वहाँ बिहार का जनता का भलाई के लिए वो मिशन पर थे। वो खुद राजा है, देखिए एक राजा जो होता है ना उसको खुद चिंता रहता है कि मेरा प्रजा कैसे सुखी रहे। देखिए दो ही चीज तो होता है, जान और माल। वहाँ कैसे जंगल राज से कैसे मुक्ति मिले, जान माल की कैसे। तो उनकी पार्टी के लोग भी और जनता भी, इतना ही नहीं कि विपक्ष भी, सभी यही कह रहे हैं कि उनके चरित्र पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उनके चरित्रों पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए हीरा हीरा होता है, सोना सोना होता है, वो ज्ञानी व्यक्ति है और इंजीनियर है, पढ़े लिखे हैं, उसको हमको और आपको जो है ना उनको राजनीति सिखाने की आवश्यकता नहीं है। वो धुरंधर है राजनीतिक में, तो वो जो है ना आने वाले समय में पता चल जाएगा कि उन्हीं लोगों के लिए काम कर रहे थे जो उन पर उंगली उठा रहे हैं, उन्हीं लोग के लिए काम कर रहे थे और मिशन पर थे और मिशन फतह करके अपना घर में आ गए जी। अगर उनको राजनीति की इतनी समझ है, अगर वो इतना कुछ जनता के लिए कर रहे हैं तो आज तक वो जननायक नहीं बन पाए जैसे कर्पूरी ठाकुर बने थे, और ना ही आज तक प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंच पाए। अब तो जनता ये भी कह रही है कि वो कुर्सी के लिए कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में बार बार अपना पाला बदल रहे हैं। देखिए क्षमता होता है किसी किसी का। देखिए कोई बस चला रहा है, बस ड्राइवर है, बस चला रहा है, तो देखिए वो किसी कोई 100 का स्पीड चला रहा है, कोई 120 कोई 150 पार कर दे रहा है, तो क्षमता है ना, तो कैसे सीएम का कुर्सी तक ठीक है तो प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे? उनका वो क्षमता नहीं है। सपना तो यही देख रहे हैं ना? सपना कोई नहीं देख रहे, तो वो सब राजनीतिक स्टंट था, कोई सपना नहीं। वो ऐसे ताना बाना ऐसे बुन रहे थे, बीजेपी वाला उनको मैंने कोस रहे थे, वो नीतीश बाबू इधर कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, मर जाएंगे तो नहीं जाएंगे। एक राजनीतिक स्टंट था, ऐसे अगर नहीं बोलते ना तो लालू प्रसाद यादव जी को यकीन नहीं होता, वो अपना जो है अंदर का बात जो भेद जो है नहीं बताते, भेद जो है ले लिए कि भाई भारत बिहार को कैसे परिवारवाद तुष्टिकरण जातिवाद से कैसे उसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, कहाँ कहाँ छेद है, कहाँ कहाँ पेच फंस रहा है, सब जानकारी फॉर्मूला ले लिए अपना आ गए। अब बहुत बहुत बेहतरीन तरीका से जो है ना उसको सुधार किया जाएगा। एक बीमारू राज्य जो था बिहार, उसको मैंने अच्छा दवाई लगा करके उसको उपचार किया जाएगा। भाजपा आएगी तभी उपचार होगा बिहार का, भाजपा आएगी तभी उपचार होगा, ये बात 100% सही है। लेकिन उसको खुद किसी के साथ गठबंधन करके नहीं, पूर्ण बहुमत ले आना पड़ेगा उसके बाद। लेकिन पलटू चाचा को लाके उन्होंने मटिया मिलेट कर दिया, खुद ही बर्बाद हो गए वो लाके। इनको कभी भी इनके साथ गठबंधन, जेडीयू के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए था। जो गठबंधन किए
बहुत इनको लोकसभा में पता चल जाएगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने लोगों को जो नौकरियां दी ना 17 महीने में 2.5 से करीब 4 लाख नौकरियां दे दी है उन्होंने, तो इसी वजह से भी शायद नीतीश कुमार वहां से हट गए कि अब तो अगला सीएम यही बनेगा। ये भी हो सकता है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। देखो पहले वो भ्रष्टाचारी परिवार के थे, इसमें कोई बात नहीं है, जिसको सब पता था पूरा हिंदुस्तान जा रहा है उसके बाद चारा घोटाला की आप बात कर रहे हैं। कहा ये जा रहा है कि वो चारा घोटाला किसी और ने किया था, उनका तो बस नाम आ गया। नहीं, लालू जी ने किया उसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद रेलवे नौकरी घोटाला किया उसमें भी कोई शक नहीं, वो किए उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रही बात जो 17 महीने सरकार चली है, जो 17 महीने सरकार चलाई है गठबंधन की, बहुत अच्छी चलाई है। तेजस्वी ने जितने काम किए उसको स्वागत करता हूँ। अच्छा तेजस्वी यादव के काम देख के आपको क्या लगता है कि क्या वो अगला सीएम बनने के लायक है? अरे कुछ नहीं, ढोंग है वो, चारा चोर का घोटाला परिवार है, परिवार बात करते वो सब नहीं चलेगा। अब सोशल मीडिया का जमाना है, सब लोग जाग चुके हैं, ये भाई साहब क्लियर नहीं बोलने सक रहे हैं, फस फस के बोल रहे हैं। अरे चारा चोर का घोटालेबाज परिवार है भाई, परिवार बात चलती है बिहार में, और तुष्टिकरण परिवार बात से आज तक ऊपर उठ ही नहीं पाए। देखिए 18 साल से नीतीश की सरकार है वहाँ पे, आज तक भैया क्यों जंगल राज नहीं खत्म कर पा रहे हो? 18 साल से आपको जंगल राज का मतलब क्या है? जंगल राज का मतलब ये वहाँ पे लूट होती थी, कोई आ जा नहीं सकता था, कहीं भी मर्डर हो जाता था, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो जाता था, बहुत तमाम मुद्दे थे। अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस राज्य का नेता ही ऐसा दल बदलू हो उसकी जनता पर कैसे विश्वास करे? कोई दल बदलू नहीं है, ऐसा लग रहा है आने वाले समय में पता चल जाएगा। एक चीज और बता रहे हो, जितने नेता है हिंदुस्तान में किसी का आप विश्वास नहीं कर सकते। जब हम हमारे गृह मंत्री की बात का भरोसा नहीं है तो दूसरे के ऊपर क्या भरोसा कर सकते हैं? गृह मंत्रालय सबसे बड़ा मंत्रालय है। लालू और तेजस्वी यादव दोनों को ईडी ने बुला लिया, दोनों यहाँ पे गए, कई घंटों की पूछताछ हुई, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो गलत काम करेगा, जो चोरी करेगा, मोदी सरकार बोलती है भैया चोरी करोगे तो एक कागज का टुकड़ा से ज्यादा कुछ नहीं है, ये देश का पैसा है, यहाँ का नागरिकों का पैसा है। आप उसका पॉकेट काट करके अपना जेब में भर लिया, ऐश मौज कर रहे हैं, हवाई जहाज में घूम रहे हैं, आलिशान बंगला बना लिया करोड़ों अरबों रुपया का, तो ये पब्लिक का पैसा है, पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा यहाँ का। सभी कर रहे हैं, सभी नेता यही करते हैं। अरे तो भैया सभी का नंबर आएगा, काहे चिंता कर रहे हैं, सभी का नंबर है। आपका घर में गया क्या ईडी सीबीआई? आपका घर में गया क्या? मेरे घर पे नहीं आए, विपक्षों के अलावा भाजपा के किसी भी नेता के घर पे ईडी सीबीआई की रेड क्यों नहीं पड़ी? क्यों जाएगा? चोरी करेगा उसी का घर में जाएगा ना, आप चोरी करिएगा आपका घर में जाएगा। भाजपा चोरी नहीं करती, भाजपा जैसी ईमानदार पार्टी इस देश को आज तक नहीं मिली है। और आपको भारतवर्ष में रहने के बाद आपको गर्व होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी पे, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे, जिसने आजकल हिंदुत्व को और सनातन संस्कृति को सजो कर रखा है। वरना 70 वर्षों में हमने जो देखा है ना, कि हमें पूजा कर याचना करने पे अपने मंदिरों में जाने की पाबंदी थी, ताले लगा दिए जाते थे, शोभा यात्राओं पे पत्थर मारे जाते थे। तो भाजपा अगर आज भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल रही है तो देशवासियों को गर्व होना चाहिए। ईडी क्या, ईडी कौन है? ईडी है भारत के 140 करोड़ टैक्स पेयर्स के पैसों का रखवाली करने वाली एक संस्था। अगर आपके बैंक में पैसा है मैडम, आपने जमा कराया और कोई हैकर उसको चुरा लेता है, नुकसान किसका हुआ? आपका। तो ये जो भ्रष्टाचारी है ना, ये एक तरह से हैकर है। अच्छा, जो बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल हुई है, 9वीं बार शपथ लिया है नीतीश कुमार ने, अब उनके चरित्र पर सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए नीतीश कुमार के चरित्र पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत चीज है। नीतीश कुमार जी ने जो शपथ ली है एक मुख्यमंत्री पद के लिए है, ठीक है। हमारे तेजस्वी यादव जी थे, लोग कहते हैं, मुझे तो नहीं मालूम, कि वो नौवीं फेल है, ठीक है, वो नौवीं फेल है और 9वीं बार नीतीश कुमार शपथ ले रहे हैं, तो किसके चरित्र का आकलन करना चाहिए? कुछ नेता ऐसे हैं जिनके व्यक्तित्व से हमें कुछ सीखने की आवश्यकता होती है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इनके चरित्र से आप क्या सीखेंगे? आरोप लगे हैं, चार्जशीट फाइल हो रखी है कोर्ट के अंदर, उस आधार पे जो जज साहब हुआ ना, एक का भी अपराध सिद्ध नहीं हो रहा है ना, महीनों से जेल में, तभी तो न्यायपालिका के जज साहब ने बोल दिया इनको छोड़ना नहीं है। तो पेश क्यों नहीं करती ईडी? ईडी ने कर तो दिया कोर्ट में, तभी सजा नहीं हुई ना, देखिए सिर्फ जेल में रखा हुआ है, सजा कहां हो रही है? सजा का फैसला पेश होता तो सजा हो जाती ना, सजा आपके कहने से मेरे कहने से नहीं होगी ना, देश की न्यायपालिका में भरोसा है, तभी तो नहीं छोड़ रहे। फाइल में कुछ तो ऐसा है जो जज उसको जो है जमानत नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की डांट क्यों लगाई थी कि अभी तक सबूत पेश नहीं हुए, जब ये झूठी फाइल क्यों रखी हुई है यहाँ? सीबीआई ने कौन सा मुकदमा वापस ले लिया डांट खाने के बाद? पुख्ता सबूत दे रखे हैं, तभी जब समय दे दो, समय दे दो, आप ढूंढ कर लाएंगे, कब लाएंगे? तो न्यायालय बैठा हुआ है ना, ईडी का सीबीआई का भी समय कभी तो समाप्त होगा। तो आपको न्यायपालिका में भरोसा है या नहीं है? दो चीजें हैं, अगर भरोसा है तो न्यायपालिका में जो बैठे हुए न्यायाधीश है उन पर भरोसा रखिए कि उन फाइलों में जो भी कुछ है उसके आधार पर उनको सजा मिले, अगर कुछ नहीं है तो उनको छोड़ दिया जाएगा। आप कुछ कह रहे थे तेजस्वी यादव के बारे में? तेजस्वी यादव ये बोल रहे थे कि 9वीं फेल है, फिर नीतीश कुमार क्यों बार बार उधर जाते हैं? उनको तो जाना नहीं चाहिए 9वीं फेल के सामने।
और जाकर नतमस्तक हो जाते हैं और फिर उधर से नतमस्तक कुछ होता है फिर बीजेपी में आकर मिलके आ जाते हैं। ऐसा क्या होता है? ऐसा बीजेपी में क्या खूबी है जो नीतीश कुमार को बार बार पकड़ती है? कोई तो कारण होगा, या तो बीजेपी तेजस्वी से डरता है या नीतीश कुमार तेजस्वी से डरता है। ये तो चीज में रिपीट है, चाहे नोवी फेल हो, नोवी फेल टक्कर दे रहा है इतने पढ़े लिखे। देखो भाजपा जो है, भाजपा पे पूरे भारत को विश्वास है, विश्वास वाली पार्टी है। रही बात लालू परिवार जो है भ्रष्टाचारी है, उसमें कोई शक नहीं है। जैसे कल जो है लालू गए थे, आज तेजस्वी गए हैं। अच्छा। जो घोटाला किया है उसको यहाँ भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक मिनट, 17 घोटाला जब किए थे वो तो बात की बात है, लेकिन 17 जो 17 महीने में उसने काम किया वो अच्छा किया, उसकी तारीफ होनी चाहिए। 17 महीने के काम की तारीफ होगी। लेकिन उसके पहले जो उनके परिवार ने भ्रष्टाचार किया है, इसके लिए ईडी सीबीआई जाएगी, और जो उन्होंने घोटाला किया है, जनता का पैसा खाया है, उसको यहाँ तो भरना पड़ेगा। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच इस वक्त देखिए जंग चल रही है, और ईडी ने दोनों को, लालू प्रसाद यादव को तेजस्वी यादव को बुला लिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखो ये तो उनको पुराना मामला है, तेजस्वी और लालू का तो पुराना, जमीन के बदले नौकरी बदले जमीन का, तो उसमें क्या है तो सबको पता ही है। जो उन्होंने किया तो गवर्नमेंट भी बताएगी क्या प्रूफ है क्या नहीं है, लेकिन वो चल तो रहा है ना। वो तो आपस की उनकी लड़ाई है। बिहार की राजनीति पर क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार ने 9वीं बार शपथ ली है। नहीं वो तो ऐसा है ना, वो 44 सीट लेके प्राइम चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। लालू बीजेपी मिल नहीं सकते, आपको पता ही है। तो वो तो कभी लालू से मिल जाते, कभी इनसे, वो तो 2 मिलियन में फायदा उठा रहा है। क्या कह चाहेंगे? उनके चरित्र पर सवाल उठ रहे हैं। किनके चरित्र पर? नीतीश कुमार के। कोई चीज सवाल नहीं है, तो राजनीति है, राजनीति है, सब जायज है। जायज की बात नहीं है। जब वो लालू ही अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने के चक्कर उसकी टांग खींच रहा है, तो नीतीश क्या करेगा? अपने आप को तो आप भी बचाओगे नहीं बचाओगे? पहले आपने उसको गद्दी में बिठाया, अब सुनने में हमें तो पता नहीं, टीवी में बता रहे हैं कि लालू अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहता है ललन सिंह से ये मेल मिला के, तो अपना बचाव तो करेगा ना वो, उसका चीज तो ठीक ठाक है। चलिए देखिए कि नीतीश कुमार के चरित्र पर एक तरफ सवाल उठ रहे हैं, दूसरी तरफ जनता मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। वो कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट है और ऐसा चलता रहता है राजनीति में। खैर उन्होंने तो अपनी पार्टी बदल ली है, आने वाले समय में ही पता चलेगा कि आखिर भाजपा को नीतीश कुमार के आने से कोई फायदा होता है या नहीं। मैंने NCR समाचार पर, मैं नमिता चौहान।